रायबरेली सदर विधायक के मैनूपुर में भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह का विरोध, वापस जाओ के लगे नारे, रोड नहीं तो वोट नहीं के भी लगे नारे। दिनेश प्रताप ने ग्रामीणों से हाथ जोड़कर किया अनुरोध, कहा लोकतंत्र में अगर यही तरीका ठीक है तो आपकी मर्जी, मुझे जानकारी होती तो जरूर विकास होता। क्या नाम है? सरोज। कहाँ रहती हैं? यहीं पे। आज क्या हो रहा है आपके गांव में? अरे हमें गांव यही हो रहा है कि वोट नहीं पड़ेगी, रोड नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं। कहाँ मतदान हो रहा है आपके गांव में? यही तो स्कूल में। स्कूल में हो रहा है। क्यों आज विरोध कर रहे हैं आप लोग? अब रोड में देख ले कहाँ पे कैसे हो रहा है, तो यही लिए विरोध है। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं हो रही 2 महीना से ऐसे है। क्या नाम है? मैं कौशल कुमार मिश्रा, ग्राम सभा मैनूपुर, ब्लॉक अमावा, जनपद रायबरेली से बोल रहा हूँ। क्यों मतदान का आज बहिष्कार किए हुए हैं? मतदान का बहिष्कार हमारे पूरी ग्राम सभा में हो रहा है, इसलिए कि हमारे यहाँ 30 वर्षों से रोड नहीं बनाई गई है। हम पूरी ग्राम सभा के लोगों को आने जाने की बड़ी समस्या हो रही है, और आज पूरे देश में मतदान का उल्लास मनाया जा रहा है, मतदान दिवस है, लेकिन हमारे यहाँ मायूसी छाई हुई है। लोग मतदान करने को तैयार नहीं है, रोड नहीं तो वोट नहीं तो रोड नहीं। किस तरह के समस्याएं हैं, क्या आरोप है, कौन है इसमें जो? आरोप क्या है? आरोप ये है कि कई बार हम लोगों ने यहाँ के प्रतिनिधियों से, नेताओं से, सबसे बात किया, कोई हम लोगों की समस्या को ध्यान नहीं दे रहा है, तो लिहाजा हम लोग मतदान नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कि जब तक कोई आकर के समझौता की कोई बात नहीं करेगा, हम लोग मतदान नहीं करेंगे, पोल हो या न हो। अधिकारियों को सूचना दिया आप लोगों ने? अधिकारियों को मालूम है, इसके पहले यहाँ पर एडीएम और एसडीएम, तहसीलदार, कई लोग आए, बातचीत हुई, वार्ता हुई, उनके नॉलेज में है कि रोड का यहाँ पर मतदान का बहिष्कार हो रहा है। उसके बाद भी कोई चीज संज्ञान में नहीं ले गई, इसलिए हमारी पूरी ग्राम सभा वोट का बहिष्कार कर रही है, रोड नहीं तो वोट नहीं। नाराजगी जताना, अगर कहीं विकास नहीं हुआ है तो उसका विकास कराना हमारी भी जिम्मेदारी है। हमको भी आना चाहिए, देखना चाहिए, हमको भी सड़क बनानी चाहिए। मैं सब गलती को स्वीकार करता हूं, लेकिन यह गलती भी है, इस काम से पहले एक बार अगर अगर उसे भी कोई कह लेता आकर के। आपका जैसा निर्णय हो हमको स्वीकार है, हमें पास और काम है तमाम, हम देखे जाए थे, सुना है कि आपका दर्द है, दवा लेके आन है, बात करे आन है, विनम्रता से हाथ जोड़ के जो आपके जो सुना चाहिए थे, और नहीं चाहते तो आपका जो इच्छा है, ठीक है, मुझे इजाजत है। अगर आप ये मानते हो कि मैं सड़क बना सकता हूँ, तो मैं भरोसा करो, जिस तरह भरोसा करो मैं आपकी सड़क बना दूंगा। मैंने गिराया है, शुरू भी कराया, जानकारी मिली है तब से, और अगर आपको लगता है कि यही लोकतंत्र में आवश्यक है जो आप कर रहे हो, तो आपकी इच्छा में आपको जनता को तो कोई रोक सकता नहीं। मैंने सुना है कि आप नाराज हो, मैं आपको मनाने के लिए आपकी चौखट पर खड़ा हूँ, बाकी आपकी इच्छा, आप जो अच्छा समझो करो। 2.5 मीटर के जो खरिंजा लगाया गया है, अगर इसका और चौड़ीकरण करा दिया जाए, क्योंकि गाड़ी अगर आती है तो हम लोग ये भी मैं आपको स्वीकार करता हूँ, चुनाव की बात नहीं है, हम तो यही रायबरेली में विधायक है, राहुल गांधी आए हैं चले नहीं है, हमसे लड़ी हो झगड़ी हो, 2.5 मीटर कराने में हमका कोई अपराधी है? चुपा भैया भाई, लिखित में दिया जाए ना, भैया लिखित तौर पर दिया जाए ना। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।